क्या आप ये ब्यूटीफुल सा आर्टवर्क बनाना चाहते हो? तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। हाय गाइस, मैं हूँ कश्मीरा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये लिपन आर्ट। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये बनाने के लिए आपको क्या क्या लगने वाला है, और वो सब कुछ हमारे स्टोर में अवेलेबल है। एक पूरी किट बनाई है जिसमें आपको ये सब कुछ मिल जाएगा जो इस आर्टवर्क को बनाने के लिए आपको लगेगा। तो आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर एक सामान अलग अलग से परचेस नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा, वो भी सीधा आपके घर पर। किट में आपको ये प्रिंट मिलेगा ऐसा, जो आपको रेफरेंस के लिए काम आएगा, क्योंकि जो मिरर्स के प्लेसमेंट्स है उसके हिसाब से ये प्रिंट दिया गया है, और इसको देख के आप इजीली ये वाला आर्टवर्क बना पाओगे। और प्लस आपको ये वीडियो भी मिल जाएगा, तो इस वीडियो को देख के तो आपको सब कुछ आ ही जाएगा, राइट? तो सबसे पहले आपको ये प्रीमार्क डिज़ाइन का बोर्ड मिलेगा, इसका साइज़ है 10 इंचेस। इसके साथ आपको ये एक क्ले मिलेगा, क्ले का एक पैकेट आपको इनफ है इसके लिए। एक्चुअली इसमें आप और एक किट भी बना सकते हो और एक आर्टवर्क भी आराम से बन सकता है। फिर आपको ये फेविकॉल का छोटा बॉटल आएगा, वार्निश आएगा, ये 3 एक्रेलिक शेड्स आएंगे जिसमें एक ब्लैक है, एक क्रिम्सन रेड है और एक गोल्डन कलर है। और ये इतने सारे मिरर्स आने वाले हैं किट में, और इनमें बहुत सारे फैंसी मिरर्स भी है, जैसे ये मून शेप वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये ड्रॉप शेप वाला हो गया, ऐसे बहुत सारे फैंसी मिरर्स भी इसमें इंक्लूडेड है। आप देख सकते हो इसमें जितने भी मिरर्स यूज़ किए गए हैं, बहुत सारे फैंसी मिरर्स है इसमें। तो ये सब कुछ आपको इस किट में मिलेगा, प्लस ये 2 ब्रशेस भी मिलेंगे, एक फ्लैट ब्रश और एक राउंड ब्रश, तो आप इजीली ये वाला आर्टवर्क बना सकते हो। तो अगर आप ये वाला किट परचेस करना चाहते हो तो मैं लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसके ऊपर चल रहा है ऑफ़र। तो पहले कुछ किट्स के लिए हमने रखा है ऑफ़र फ्री डिलीवरी का, तो अगर आप ये परचेस करना चाहते हो तो जल्दी से अपना ऑर्डर प्लेस कर दो ताकि आपको फ्री डिलीवरी मिले। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का DIY। ये जो प्रीमार्क बोर्ड है इसके ऊपर हम पहले मोल्डेड क्ले यूज़ करेंगे। ये जो फेविक्रिल का मोल्डेड क्ले है ये आपको किट में मिल जाएगा। इसको हमें 2 इक्वल पार्ट्स में लेना है, मतलब इसके 2 ऐसे पैकेट्स होते हैं, तो हर एक पैकेट को आपको इक्वल पार्ट्स में पहले ले लेना है। इस तरह से जितना आपने ये वाला लिया है सेम उतना ही आपको सेकंड भी लेना है, और फिर उसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। पहले हमें एक पाउडर लेनी है, टैल्कम पाउडर, वो आपको हाथ को लगा लेनी है पहले, और फिर इस तरह से आपको उसे मिक्स करना है तब तक जब तक उसका कलर एक नहीं हो जाता तब तक। और फिर उसके बाद हम इस तरह से ऐसे लाइंस बना लेंगे, मतलब उसको रोल कर करके हमें जो क्ले के जो छोटे छोटे लाइंस होते हैं वो बना लेने हैं, और फिर फेविकॉल यूज़ करके हम उसको हमारे बोर्ड के ऊपर इस तरह से स्टिक कर देंगे। और इसको कट करने के लिए जो मैं टूल यूज़ कर रही हूँ, नॉट नेसेसरी कि आपके पास भी वो होना चाहिए, आप नॉर्मल कुछ भी यूज़ कर सकते हो उसको कट करने के लिए। और ये जो कर रही हूँ मैं, ये आप टूथपिक की हेल्प से भी कर सकते हो। तो सिमिलर वे में मैंने पूरा बोर्ड के ऊपर जो डिज़ाइन था उसके ऊपर मैंने ये क्ले लगा दिया है, और फिर उसको मैंने अच्छे से ड्राई होने दिया है। अब आप ध्यान से देखोगे तो मैंने कुछ कुछ जगह पे डॉट्स और कुछ कुछ जगह पे लाइंस बनाई है। अगर आपके पास लिपन आर्ट के टूल्स हैं तो आप टूल्स यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप टूथपिक आप डॉट्स के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर स्केल्स होते हैं, स्केल आप लाइंस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं दे रही हूँ ये ब्लैक एक्रेलिक कलर, पूरे बोर्ड के ऊपर मैंने ब्लैक एक्रेलिक कलर दे दिया है। अब इसको हम ड्राई होने देंगे, फिर ड्राई होने के बाद रेड जो क्रिम्सन शेड मैंने ऐड की है किट में, वो मैं दे रही हूँ इसके ऊपर। अब आप इस तरह से भी दे सकते हो, या फिर थोड़ा सा टेक्सचर्ड इफ़ेक्ट भी उसका दे सकते हो, दोनों में से जो अच्छा लगे आपको उस हिसाब से आप पेंट कर सकते हो। अब हम लेंगे गोल्डन कलर, और गोल्डन कलर से हम जितने भी क्ले वाले लाइंस हमने बनाए हैं उसको हम करेंगे कवर। यहाँ पे देख सकते हो आप, राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ मैं इसके लिए, और पूरे लाइंस हम कवर कर देंगे। जनरली हमने अभी तक जितने भी लिपन आर्ट बनाए हैं, अगर आपने देखे हुए तो आपको पता होगा कि हम वाइट कलर देते हैं, और वाइट कलर के ऊपर हम दूसरे दूसरे शेड्स यूज़ करते हैं।
बट ये वाला जो आर्टवर्क है उसमें हमने ब्लैक कलर दिया है और जो क्ले वाला पार्ट है वो हमने पूरा गोल्डन कलर से कवर किया है, वाइट कलर हमने यूज़ नहीं किया है इसमें। तो गोल्डन रेड और ब्लैक में हमने ये आर्टवर्क बनाया है। अब हम इसके ऊपर वार्निश अप्लाई कर देंगे क्योंकि कलर का पार्ट हो चुका है, अब इसके ऊपर आएगा वार्निश। वार्निश ड्राई होने के बाद हम करेंगे मिरर वर्क। मिरर वर्क के लिए मैंने बहुत सारे फैंसी मिरर्स यूज़ किए हुए हैं ये आर्टवर्क में। जो भी मिरर्स आपको स्टिक करने हैं आप सिंपली फेविकॉल यूज़ करके इसको स्टिक कर सकते हो। ये देखो बहुत सारे फैंसी मिरर्स यूज़ हुए हैं और पूरा मिरर वर्क होने के बाद हमारा आर्ट वर्क ऐसा लग रहा है। इसके बाद भी मैंने कुछ डॉट वर्क किया हुआ है गोल्डन कलर से, बट आप चाहे तो ये वाला जो स्टेप है वो स्किप कर सकते हो और सिर्फ मिरर वर्क कर सकते हो, फिर भी आपका जो आर्ट वर्क है वो अच्छा ही लगेगा। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। अगर आपको किट परचेस करनी है तो आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इजीली परचेस कर सकते हो और फ्री डिलीवरी का ऑफर भी चल रहा है, तो जल्दी से अपना ऑर्डर प्लेस कर दो। सो गाइज, आपको ये वाला DIY कैसा लगा, आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।